देखिए, ये एक लेटेस्ट खबर अपने सामने आ गई है अभी अभी की, जो है दिल्ली गवर्नमेंट, इसके जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बताया है कि ये अब अपना एक अलग बोर्ड बनाने वाली, स्टेट बोर्ड, और ये ऑप्शनल होगा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए। चलिए तो इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड लाइकली टू बी ऑपरेट 2021 विल बी ऑप्शनल फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जिस तरीके से हर एक स्टेट का एक बोर्ड होता है, जैसे कि आप किसी भी स्टेट को देखें, जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र को देखें, तो वहाँ पे एक सीबीएसई बोर्ड है, एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ऐसे ही दिल्ली में भी एक स्टेट बोर्ड बनाने का इनका प्लान है, ड्राफ्ट है, ठीक है। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग होगा इनका कहना है। ये आप देख सकते हैं, डेली ओन एजुकेशन बोर्ड एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन द नेक्स्ट ईयर, अदर स्टेट इट विल बी इम्पोज ऑन गवर्नमेंट स्कूल अकॉर्डिंग टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नॉट इम्पोज्ड। ये जरूरी नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्कूल लें इसको, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी ऑप्शनल होगा, प्राइवेट के लिए। गिविंग डिटेल अ प्लान सेट एक अप द स्टेट एजुकेशन सो दे सेट द बोर्ड विल बी इन रिफॉर्म प्रपोज, जो रिफॉर्म है वो लागू होंगे। इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो इस पे काम कर रही है। अराउंड 40 स्कूल विल बी एफिलेटेड टू बोर्ड विच कुड बी आइदर गवर्नमेंट आर प्राइवेट, सिसोदिया टोल पीटीआई इन द इंटरव्यू। फ्री टू मेक देयर चॉइस वेदर दे वॉन्ट टू ऑप्ट सीबीएसई आईएससी स्टेट बोर्ड वाइल गवर्नमेंट स्कूल फॉलो द स्टेट बोर्ड विल बी हैव नो इम्पोजिशन। तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल फॉलो करेंगे, ऐसा कोई जरूरी उनके ऊपर रूल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पूरा नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होगा। इसके अंतर्गत सिसोदिया जो है बहुत से स्कूल में नए नए तरीके के रिफॉर्म्स कर ही रहे हैं, तो ये भी एक नया उनका रिफॉर्म इस तरीके से देखा जा रहा है। आप देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नई नया जो इनका बोर्ड बनेगा, क्योंकि अभी तक वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड से ही सारे स्कूल एफिलेटेड हैं दिल्ली में, अब ये वहाँ पे एक नए तरीके का बोर्ड बनेगा, क्या इसका इम्पैक्ट होता है देखते हैं भविष्य में, फ्यूचर में। ओके, थैंक यू।